और देखिए हर जनरेशन में एक बच्चा होता है जिसके नाम से पूरे फैमिली को पहचाना जाता है, वो बच्चा आपको बनना है। देखिए दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क स्टूडेंट और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क स्टूडेंट क्या करता है, पूरा भाई 24 घंटे पढ़ाई करता है और एसटीडी के एग्जाम में कितना नंबर आता है, 60 नंबर, 70 नंबर, 50 नंबर, इस टाइप के स्कोर आते हैं 160 में से। और एक होता है स्मार्ट वर्क वाला जो कि 8 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करता है और एसटीडी के एग्जाम में आराम से 150 नंबर, 145 नंबर, 125 नंबर, इस टाइप के स्कोर आते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्टूडेंट बनना है, हार्डवर्क वाला या स्मार्ट वर्क वाला। आज मैं बता दूं, एक बार सरकारी नौकरी हो जाए ना, जो आपका घर टूटा फूटा है ना वो छत का घर बन जाएगा। जिस बहन की शादी नहीं हुई उस बहन के लिए हजार रिश्ते आएंगे। जो लड़के लड़के आपको पूछ नहीं रहे ना, वो भैया आपके गोड़ के सामने, अरे सतीश मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा भाई है, सब कोई बोलेंगे। लेकिन आज अगर सरकारी नौकरी ना हो तो जो आपके चहेते हैं, जो आपके प्यार है, जो आपकी गर्लफ्रेंड, सब आपको छोड़ कर भाग जाए। क्योंकि सक्सेसफुल आदमी के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है और अनसक्सेसफुल आदमी के साथ कोई खड़ा नहीं होता मेरे भाई। जय हिंद दोस्तों, SSC GD 2024 की नई भर्ती आ रही है जिसका विंटर एग्जाम फरवरी 20 तारीख से स्टार्ट है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका GK GS बहुत ज्यादा कमजोर है, 40 में से 2 नंबर, 3 नंबर, इस टाइप के स्कोर रख रहे हैं। तो मेरे दोस्त, जिन लोगों का GK GS कमजोर है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वीडियो आप शुरू से एंड तक जरूर देखना। GK GS में आराम से आप 40-40 नंबर आने की कैपेसिटी रख सकते हो मेरे भाई। और GK GS को क्या है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं हमें उसे पढ़ना जरूरी है, ना कि पूरे GK GS को पढ़ना है मेरे भाई। इतना बड़ा GK GS कौन पढ़ेगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम उसे कवर कर लेते हैं तो आराम से हमें 40-40 नंबर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे फालतू में GK की क्लासेस करते हैं जहां से SSC के एग्जाम में कोई क्वेश्चन गिरता ही नहीं है। तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करना है जहां से भाई क्वेश्चन गिरते हैं और हमारा कंफर्म सिलेक्शन होता है। देखिए दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट 24 घंटे पढ़ाई करता है और SSC के एग्जाम में 60 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर, इस टाइप का आता है। और एक स्टूडेंट होता है जो कि भाई कम पढ़ता है, मतलब 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करता है और SSC के एग्जाम में 145-150 नंबर रखता है। तो हमें वो स्टूडेंट बोलना है जो कि दोस्तों कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर रखे, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क जो करता है उसका सिलेक्शन जल्दी होता है मेरे भाई। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको बता देता हूँ, इतने ही चैप्टर है मेरे दोस्त। इतना चैप्टर आप कवर कर लो SSC के एग्जाम में, आपका भाई कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू में ऑनलाइन क्लासेस करने की जरूरत नहीं, 4 घंटा 5 घंटा, और जो वो टाइम बच रहा है उसको भैया मैथ, रीजनिंग, अध्ययन दोस्तों हिंदी में आप लगा दो। ये 3 चैप्टर में और ज्यादा टाइम दे दो और भी अच्छा अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो देन दोस्तों GK GS में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से SSC के एग्जाम में 99.5% क्वेश्चन गिरते हैं। और एक बता दूं, ये वीडियो 3 पार्ट में आने वाले, पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3। और मैं जितने भी तीनों पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कवर करते जाओ और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई। एक दिन में एक चैप्टर कवर करो, 15 दिन के अंदर 15 चैप्टर कवर, और इसको पूरा याद करना। और जैसे याद कर लोगे SSC का आप एग्जाम देने जाओगे, देखना आपको कितना फायदा होता है और आपका कितना स्कोर बढ़ जाता है आपके GK GS में, ठीक है ना। आपके भाई का वादा है, ठीक है। तो भाई मैं बता दूं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो। सबसे पहले जहां से SSC के एग्जाम में 99.5% क्वेश्चन गिरते हैं तो वो कौन से चैप्टर है, तो देखिए भारत के प्रमुख नदियां, इससे दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा SSC के एग्जाम में। देन दोस्तों उसके बाद भारत के प्रमुख लोक नृत्य, यहां से भी आपने देखा होगा SSC के हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। भाई मैंने खुद ही SSC के 3-3 बार 4-4 बार हाई स्कोर से क्वालिफाई किया, तो मुझे नहीं पता होगा विंटर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लोक नृत्य 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, यहां से भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ताजमहल हो गए, ताजमहल कब बनाया गया था, किसके याद में बनाया गया था, ताजमहल कहाँ पे स्थित है, ये ऐतिहासिक स्थल है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और इस टाइप के जितने भी ऐतिहासिक स्थल है सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और SSC के एग्जाम में 99.5% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जैसे हम लोग का माउंट एवरेस्ट हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ा था, तो जो भी भारत के प्रमुख पर्वत है, ठीक है, बड़ा पर्वत कौन सा है, छोटा पर्वत कौन सा है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और इसको आपको पूरा पूरी कवर करना है। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, देन दोस्तों सबसे छोटा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, ये चीज के भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहां से भी SSC के एग्जाम में क्वेश्चन गिरते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रथम महिलाएं, तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थी, ये चीज भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों क्या है, तो नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर, इलाहाबाद किस नदी तट के सामने स्थित है, ठीक है, देन दोस्तों यूपी के सामने से कौन सी नदी गुजरती है, तो ये सब भाई
एसजीडी के एग्जाम में कंफर्म गिरता है, और हर शिफ्ट में देखिएगा एक से दो क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा बट यही चैप्टर से आपके ज्यादातर क्वेश्चन एसजीडी के एग्जाम में गिरते हैं। भाई मैं खुद ही इसको पूरा पर्सनली मैंने एनालाइज किया कहां से क्वेश्चन गिरते हैं, तो यहां से दोस्तों आपको कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत की प्रमुख ऐतिहासिक झील जो कि आपकी पुरातन झील है वहां से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अध्ययन दोस्तों एक चीज और बता दूं, ये सब आपको पढ़ तो आप रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद आपको रिविजन भी करना है, और रिविजन आप कहां से कर सकते हो, तो रिविजन के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ, किरण पब्लिकेशन का ये सॉल्व पेपर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ ये सबको आपको पढ़ना है और यहाँ से दोस्तों रिविजन करना है। ये बुक में दोस्तों आपको 120 सेट्स मिले वाले हैं, 2019 से लेकर 2023 तक के पूरे क्वेश्चन को कवर किया गया है। और देन दोस्तों ये क्या है, टीसीएस के पूरे पैटर्न के ऊपर आधारित है, और अगर आपको दोस्तों जीके जीएस को रिवीजन करना है तो ये दोस्तों सामान्य ज्ञान की बुक आपकी पूरी पूरी मदद कर देगी अपना लेवल चेक करने में कि आपका कितना नंबर आ रहा है मेरे दोस्त, 40 में से कितना नंबर रख पा रहे हो, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। और जब आपका स्कोर अच्छा नहीं लगेगा तो भैया अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसी की तरह किरण पब्लिकेशन का भाई रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, सबका सॉल्व पेपर आ जाता है जो कि आपकी प्रैक्टिस पूरी पूरी मदद कर देगा कि आपको किस टाइप का भाई आपका स्कोर आ रहा है और कितना पढ़ाई अभी तक आपने किया है। तो ये दोस्तों आप पूरी पूरी मदद कर देगी रिवीजन करने में, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, पढ़ाई तो आप करोगे लेकिन रिवीजन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब भैया क्या है, भारत के प्रमुख झील हो गए, इसके बाद होते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह होता है जहां पे दोस्तों शिप वगैरह आके रुकती है, जैसे चिलिका हो गया, यहाँ पे भी एक बंदरगाह है। तो भारत के जितने प्रमुख बंदरगाह है इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, और एसजीडी एग्जाम में 99.5% क्वेश्चन तो इससे इस चैप्टर से भी देखने को मिलते ही हैं। उसके बाद दोस्तों भारत के प्रमुख सरकारी योजनाएं, यहां से आपने देखना एक से दो क्वेश्चन पक्का एसजीडी के हर शिफ्ट के एग्जाम में भैया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत के दोस्तों जितने भी सरकारी योजनाएं प्रमुख मोदी गवर्नमेंट का वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, और ये चीज डाल भी रहा है, ठीक है ना। देन दोस्तों अब मैं बताता हूँ भारत के जो प्रमुख मंत्रिमंडल है इसके बारे में पढ़ना है, जैसे अभी दोस्तों लोक कल्याण मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जितने मिनिस्ट्री इसके बारे में पढ़ना है। और देन दोस्तों आपके जितने भी सीएम हैं, जैसे गुजरात के सीएम का नाम क्या है, उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है, बिहार के सीएम का नाम क्या है, तो ये सीएम का नाम वगैरह भी आपको पूरा पूरी पढ़ना बहुत जरूरी है। देन दोस्तों मुगल साम्राज्य, आपने देखा होगा मुगल साम्राज्य के हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन एसजीडी के हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मुगल बादशाह के बारे में पूरा, ठीक है ना, जैसे बाबर से लेके मुगल साम्राज्य के पूरे आखिरी वंश तक पूरा आपको दोस्तों रट लेना है, सारे राजाओं का नाम, देन दोस्तों कौन कौन से प्रमुख युद्धे हुई थी उसके बारे में, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, देन दोस्तों इसके बाद इसके बेटे का नाम क्या था, उसके बेटे का, पूरा दोस्तों आपको मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना है, इसको पूरा पूरी दोस्तों आपको कैप्चर करना है। देन दोस्तों भारत के प्रमुख छोटे और बड़े शहर इसके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे यूपी आपके कौन बड़ा शहर है या छोटा शहर है, गोवा आपके छोटा शहर, तो मतलब पूरा शहर के बारे में पढ़ना है। तो ये दोस्तों हो गए आपके 15 चैप्टर, ये 15 चैप्टर आप कवर करो। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो दोस्तों आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन गिरते हैं, और जो एक लास्ट वीडियो होगा साइंस के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां से क्वेश्चन गिरते हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और देखिए मैं आपको जितना ही बता रहा हूँ ना यही चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक चैप्टर का एक एक दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन के अंदर 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाओगे। देन दोस्तों 30 दिन के अंदर 30 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। फालतू में ज्यादा टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं, और देखिए सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि भैया टाइम ही नहीं हो रहा, हम तो पढ़ ही नहीं पाते। देखिए 24 घंटे के अंदर एक आदमी एपीजे अब्दुल कलाम बन गया, इसी 24 के अंदर कोई बच्चा टॉपर बन रहा है, और इसी 24 घंटे के अंदर कोई बच्चा दारूबाज, कोई लड़कीबाज, और इसी 24 घंटे के अंदर कोई भाई गरीब दिन भर खटखट के रोड पे गिर के भगवान के पास प्यारा हो जा रहा है, और इसी 24 घंटे के अंदर कोई गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी पा रहा है, उसे घर में ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। तो मेरे दोस्त 24 घंटे सबके पास है, तो इस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके हाथ में है, ना कि मेरे हाथ में। देखिए बहाने सबके पास है पर रिजल्ट सबके पास नहीं होता है। बहाने आपके पास भी कि मैं इस वजह से लाइफ में फेल हो गया, बट दोस्तों रिजल्ट आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास बहाने हैं। जिस दिन आपके पास बहाने नहीं होंगे, आपके पास रिजल्ट होगा, उसी दिन भैया आपका सिलेक्शन होगा। तो फोकस गोल के ऊपर करो, ठीक है ना भाई, आपका सिलेक्शन कंफर्म होना ही है। और देखिए अपने आप के लिए भाई कभी मेहनत नहीं करनी, अपने आप के लिए मेहनत करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी, अपने बाप माँ के सपनों के लिए मेहनत करनी, अपने बाप आपकी उस मजबूरी के लिए मेहनत करनी है जिस मजबूरी के चलते भाई आपको एक नया शर्ट नहीं दिलवा पाते हो दिवाली में। दिवाली किसके लिए होती है, अमीरों के लिए होती है, गरीबों की दिवाली होती है, नहीं होती ना। आपके लिए भी दिवाली नहीं होगी अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट, सर हम सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, हम कैसे पढ़ाई करें। देखिए मेरे दोस्त अगर पढ़ने का जुनून हो आपके अंदर तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करो, चाहे चपरासी का सिक्योरिटी गार्ड का काम करे, कोई बच्चा आईएएस बन रहा है, 12th फेल, आपने मूवी देखी है, नहीं देखी ना, नहीं देखी तो अभी देख लेना,
मूवी को देख के आप इंस्पायर हो जाओगे मेरे भाई। एक बच्चा आड़ा चक्की में काम करके जब वो आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, यूपीएससी से इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करता है कि आप एसएससीडी के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। मेरे दोस्त आपने अपने वर्दी का सपना देखा है, आपने वो राइफल पकड़ के देश की सुरक्षा में घूमने का सपना देखा है। सपना आपका है तो मेहनत किसका होगा? मेहनत भी आप ही का होगा मेरे दोस्त, मेहनत और किसी का नहीं होगा। और मैं देख लेना दोस्त, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाख आपके रिश्ते बनाने वाले आ जाएंगे, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्त बहाने मत बनाओ, रिजल्ट के ऊपर फोकस करो, मेहनत करो। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो कि अपने सपनों के प्रति पूरा भाई निष्ठावान होगा, भाई 100% सिलेक्शन करने को तैयार होगा, उसी का सपना होगा। जिसके पास बहाने होंगे, मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, आज नहीं कल पढ़ाई करूँगा, थोड़ा गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ, थोड़ा दोस्त से बात कर लेता हूँ, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपके पास बहाने हैं ना मेरे दोस्त, बहाने हैं तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट नहीं आएगा। बहाने जिसके पास के पास रिजल्ट कभी नहीं आएगा। बहाने मत बनाओ, मैं भाई इस वजह से नहीं पढ़ पाया, इस वजह से बहाना बनाओ कि मैं इस वजह से ही पढ़ पाया, मैं गरीब हूँ, मैंने अमीर बनने का सपना देखा था, मैं इसीलिए पढ़ पाया। देखिए हम लोग की सोसाइटी में भी दो टाइप के आदमी होते हैं, एक लेबर होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिन भर खटता है, दिन दोस्तों उसके परिवार को दो टाइम का खाना सही से नहीं दे पाता, क्योंकि 250 रुपये में आज के डेट में कैसे चलते हैं, एक गरीब के परिवार से पूछो वो आपको बताएगा, दो टाइम खाना दिन नहीं दे पाता। उसी टाइप के एक और आदमी होता है जो कि उसे थोड़ा सा मेहनत करता है, जिस एज में उसको घूमना चाहिए उस एज में पढ़ाई करता है, जिस एज में भाई उसको लड़कियों के साथ एंजॉयमेंट करना चाहिए, दोस्ती यारी करना चाहिए, दारू वारू पीना चाहिए, सब करना चाहिए, उस टाइम पे वो पढ़ाई करता है, अपने मेहनत करता है, डिफेंस में जाता है, कहीं भी जाता है, कोई भी एक सरकारी नौकरी हो जाए, वो चाहे वो तो डिफेंस में हो चाहे प्राइवेट में हो, कहीं भी हो, लेकिन एक सरकारी नौकरी हो तो आपका ही नहीं आपके से सात पुश्त का लाइफ बन जाता है। सही बात है। और देखिए हर जनरेशन में एक बच्चा होता है जिसके नाम से पूरे फैमिली को पहचाना जाता है, वो बच्चा आपको बनना है, आपके फैमिली में आपके नाम से लोगों को जाना जाए। देख मेरे दोस्त ये चीज याद रखना, जब एक मिडिल क्लास का बच्चा, मैं सिंपल सी बात है, जब एक मिडिल क्लास का बच्चा कभी भी सरकारी नौकरी पाता है ना, सिर्फ वो नौकरी नहीं पाता, उसके जैसे वो लाखों मिडिल क्लास बच्चों को इंस्पायर करता है नौकरी के लिए, कि जब वो गरीब का बच्चा, वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा आज से ऐसे अपनी नौकरी पा गया मेहनत करके ना मेरे भाई, तो क्या मैं नहीं पा सकता? मैं लेबर का बेटा हूँ, मैं नहीं पा सकता? मैं पा सकता हूँ। तो एक बच्चा जब आप नौकरी पाता है ना तो अपने से लाखों बच्चों को इंस्पायर करता है। तो अपने एरिया में इंस्पिरेशन बनना है, मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है और उस दिन के लिए पढ़ाई करनी है। और आज पता है जब 8 घंटा आप पढ़ने के लिए बैठते हो ना जुनून के साथ, आपको पता होगा मोबाइल बुला रहा होगा, साइड में गर्लफ्रेंड बुला रही होगी, साइड में आपके दोस्त बुला रहे होंगे और पीछे में यार बुला रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे खड़े होंगे, लेकिन अगर आप अपने गोल के प्रति और अपने सपनों के प्रति निष्ठावान हो, मेहनत करने को तैयार हो, तो जितना भी डिस्ट्रैक्शन है ना सब खत्म हो जाएगा। और अगर अपने गोल के प्रति आप निष्ठावान नहीं हो तो आपका फोन भी बुलाएगा, मोबाइल भी बुलाएगा, गर्लफ्रेंड बुलाएगी, सबके पास जाओगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखोगे भैया सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस दिन रो के पछताए कुछ फायदा नहीं है मेरे भाई। जब समय बीत जाता है ना तो जितना भी रो लो गालो वो समय लौट के नहीं आता है, खुद भगवान भी अपने समय को बदल नहीं सकते। इसीलिए मेहनत आज करो अपने इस परिस्थिति को बदलने के लिए। आज मैं बता दूं, एक बार सरकारी नौकरी हो जाए ना, जो आपका घर टूटा फूटा है ना वो छत का घर बन जाएगा। जिस बहन की शादी नहीं हुई उस बहन के लिए 1000 रिश्ते आएंगे। जो लड़के लड़के आपको पूछ नहीं रहे ना वो भैया आपके गोड़ के सामने गिरे, अरे सतीश मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा भाई है, सब कोई बोलेंगे। लेकिन आज अगर सरकारी नौकरी ना हो तो जो आपके चहेते हैं, जो आपके प्यार है, जो आपकी गर्लफ्रेंड, सब आपको छोड़ कर भाग जाए, क्योंकि सक्सेसफुल आदमी के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है और अनसक्सेसफुल आदमी के साथ कोई खड़ा नहीं होता मेरे भाई। अनसक्सेसफुल नहीं बनना है, सक्सेसफुल बनना है, अपने खानदान में वो इमेज बनानी कि आपके नाम से पूरे खानदान को पहचाना जाए। दुनिया गाली देगी, जब आप आगे बढ़ोगे तो पैर खींचने के लिए 1000 लोग आएंगे, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके यार 1000 लोग आएंगे, आपके पैर खींचेंगे, आपको नीचे खींचेंगे, बोलेंगे तू मत जा, तू मत कर, ये चीज तेरे से नहीं हो पाएगा। पर जो बच्चा ये सुनने के बावजूद भी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लोग मेरे को नीचे खींच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, 1000 लोग के बोलने के बावजूद भी बच्चा मेहनत करने को तैयार होगा, वो बच्चा अपने लगन और निष्ठा के साथ अपनी जो कमजोरी है उसको काटने को तैयार होगा, क्यों नहीं होगा उसका सिलेक्शन? कौन बोला सिलेक्शन नहीं होगा? होगा, लेकिन वो बच्चा मेहनत करने को तैयार होगा तब ना होगा। तो मेहनत करो, जी से जान लगा दो या फिर जाने। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को, और अपने पूरे खानदान के लिए इंस्पिरेशन बनना है तुमको, अब की बार एसएसजीडी में सिलेक्शन लेना है तुमको। जय हिंद, जय भारत। बोल भारत माता की जय। वंदे मातरम।